I am Dr. Ajay Naik, Director of SIMS Hospital and Director of Cardiac Arrhythmia and Heart Failure Division in SIMS Hospital. दिल की धड़कन स्लो हो जाने पर पेसमेकर इम्प्लांटेशन किया जाता है. ये पेसमेकर है और इसके अंदर बैटरी रहती है जिससे दिल की धड़कन स्लो होने से बचती है. ये करीब आधे पौने घंटे के ऑपरेशन में लगाया जाता है. कुछ पेशेंट में पहले हार्ट अटैक आ चुका हो, दिल की धड़कन अनियमित हो रही हो, तो ऐसे पेशेंट में पेसमेकर से बड़ी मशीन आईसीडी डिफिब्रिलेटर इम्प्लांट किया जाता है. ये मशीन सुपर पेसमेकर है, दिल की धड़कन स्लो होने से तो बचाती है पर कभी अगर दिल की धड़कन फास्ट अनियमित हो जाए तो 10 सेकेंड के अंदर शॉक देके पेशेंट की जान बचा सकती है. जिन पेशेंट को हार्ट फेलियर हो जाए और दिल की पंपिंग कम हो जाए, ऐसे पेशेंट में स्पेशल पेसमेकर लगता है जिसे कहते हैं CRT. इसे कहते हैं CRT पेसमेकर. ये दिल की पंपिंग बढ़ाता है और कुछ पेशेंट में CRT पेसमेकर के साथ इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर बिठाते हैं, उससे बड़ी मशीन, जिससे दिल की पंपिंग तो इम्प्रूव होती ही है पर अगर दिल की पंपिंग की कमजोरी के कारण धड़कन अनियमित हो रही हो तो ये मशीन धड़कन को भी नियमित करती है. तो ये अलग अलग टाइप की मशीनें हैं, पेसमेकर, CRT डिफिब्रिलेटर या CRT प्लस डिफिब्रिलेटर, जिससे दिल की पंपिंग और धड़कन नियमित करने के लिए पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. आई एम डॉक्टर अजय नायक, डायरेक्टर ऑफ कार्डियक अरिथमिया एंड हार्ट फेलियर डिवीजन एंड SIMS हॉस्पिटल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू.